फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है rizwandesigns.com पर। आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे सिंगल रो और सिंगल कॉलम की मदद से ग्रिड कैसे तैयार किया जाता है। तो सिंगल रो मर्की टूल को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद सिंगल कॉलम मर्की टूल को देखेंगे। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए ताकि समझ में आ जाए कि कैसे ग्रिड को बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नोटबुक जो हम लोग कॉपी वगैरह यूज़ करते हैं उसमें जो लाइन बनाई जाती है उस तरह की लाइन, और जो मैथमेटिक्स के लिए जो कॉपी होती है उसमें आप ग्रिड देखते होंगे। तो उस तरह का डिज़ाइन अगर आपको फोटोशॉप में करना है तो आप कैसे करेंगे, उसको आज मैं डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि सिंगल रो और सिंगल कॉलम मर्की टूल का यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन आज उसी टूल की मदद से हम लोग लाइन और ग्रिड तैयार करते हैं। तो मैं यहां से सिंगल रो मर्की टूल को सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहां पर न्यू सिलेक्शन पर रहेंगे, यहां से एक न्यू लेयर लेंगे और उसके बाद सिर्फ आपको रूलर ऑन करना होगा। कंट्रोल आर से रूलर ऑन होता है, कंट्रोल आर से रूलर हमने ओपन कर लिया। और जब रूलर को हाइड करना है तो कंट्रोल आर से रूलर को हाइड भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को सिर्फ लाइन क्रिएट करना है, तो लाइन क्रिएट करने के लिए सपोज मैं यहाँ से ऊपर लेकर जाता हूँ क्योंकि ये इंच में है, 1 से लेकर 15 इंच तक है, और मैं यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप 0 से लेकर 1 के बीच में ये हाफ इंच का एक साइन होता है, मैं इसके बीच में यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। अब इस सिलेक्शन में हम लोग कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए यहाँ पर फोरग्राउंड कलर में ब्लू कलर हमने पहले से फिल करके रखा हुआ है, आपको ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर देना है। ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर दिया लेकिन वो दिख नहीं रहा है क्योंकि सिलेक्शन को अभी हमने हटाया नहीं। अब कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दिए इस सिलेक्शन को, अब हमें ये लाइन आसानी से दिख रही है। अब मैं आप लोगों को इसको मल्टीपल लाइन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर आप इसको गौर से देखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, अब आपको इसी लेयर पे रहते हुए कंट्रोल जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे से एक कॉपी बन गई और उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म, तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद इसको स्लाइड करके नीचे लाएंगे, उसके लिए आपको माउस का यूज़ नहीं करना बल्कि कीबोर्ड से डाउन वाला एरो जो होता है उसको प्रेस करना है। आप उसको प्रेस करें और इसको नीचे लेकर आएं, यहाँ पर लाकर के छोड़ देना, ये जो वन आप देख रहे हैं ना इसके बराबर लाकर इसको छोड़ देना ऐसे, ये बराबर हो गया। अब जस्ट आप इसको यस कर दीजिए। तो जब हमने एक बार इसको बना लिया तो हम लोगों को अब सिर्फ एक शॉर्टकट यूज़ करना है। शॉर्टकट याद रखें, आप कॉपी में लिख लिया करें, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, ये तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करके होल्ड करके रखना है। क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट तीनों को प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे, मैंने होल्ड किया हुआ है, और उसके बाद टी प्रेस करेंगे, टी फॉर टाटा, यानी टी को बार बार प्रेस करते चले जाएंगे ऐसे। देखिए लाइन हमारी ड्रॉ होती चली जाएगी ऐसे करके। अब देखिए जूम को छोटा करके मैं देखता हूँ, ये लाइन यहाँ तक बनी, और लाइन बनानी है तो फिर से आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी करें तो और लाइन बन जाएगी ऐसे। अब हमारे पास ये रूलर बन गया है, अब हम लोगों को सिर्फ ग्रिड बनाना है। तो ग्रिड बनाने के लिए फिर वही करेंगे, यहाँ से न्यू लेयर लेंगे और उसके बाद इस बार हम लोग सिंगल कॉलम मर्की टूल का यूज़ करेंगे, और ये जो 0 और 1 के बीच में जो ये लाइन है इसके बराबर लाकर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये सिलेक्शन बन गया, इसमें भी हम लोग कलर फिल कर लेते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर लिया और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देते हैं, डन। अब उसके बाद कंट्रोल जे करेंगे जो लास्ट प्रोसेस हम लोगों ने किया था, तो कंट्रोल जे से क्या होगा, कॉपी हो जाएगी, कॉपी हो गई ये। अब उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसको फिर से हम लोग अपने कीबोर्ड के राइट एरो को प्रेस करके थोड़ा राइट ड्रैग करना है, तो ऐसे क्लिक करिए और राइट ड्रैग कर लीजिए और 1 के पास लाकर आप छोड़ दीजिए ऐसे, डन, और इसको आप ओके कर लीजिए। ये लाइन बन गई। अब आपको फिर से वही रूल फॉलो करना है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉलो किया था, यानी कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये तीनों को प्रेस करेंगे और टी प्रेस करते चले जाएंगे ऐसे,
ये देखिए आपके पास लाइन और ग्रिड दोनों तैयार हो गया है। तो बहुत ही इजी है कि हम लोग सिंगल रो और सिंगल कॉलम इन दोनों टूल को यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं लाइन भी और मल्टीपल ग्रिड्स भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने जितना लेयर बनाया वो सभी लेयर अलग अलग बना है, तो टॉप लेयर पे रहेंगे यहाँ पर और इसको नीचे लेकर आएंगे और उसके बाद नीचे वाले लेयर को शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो सभी लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोगों को कंट्रोल ई प्रेस करना है, कंट्रोल ई, ई फॉर एलिफेंट। कंट्रोल ई से क्या होगा, मर्ज हो जाएगा सभी लेयर, कंट्रोल ई से एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आपके पास एक लेयर हो गया, मूव टूल पर आइए और इसको कहीं पर भी मूव करा सकते हैं, ऐसे आपके पास ग्रिड और लाइन तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्रिड और लाइन तैयार करेंगे। इसका प्रैक्टिकल आप लोग कम से कम 4-5 बार ज़रूर कर लिया करें और इसमें अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ब्लू कलर ही फिल किया जाए। अब बात करते हैं हम लोग लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल, इसको कैसे यूज़ किया जाए। यहाँ से हम लोग लासो टूल लेते हैं। हम लोग जब भी कोई टूल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर में इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है, ये हमने पहले क्लास में भी बताया था। अब जैसे हम लोगों ने लासो टूल सेलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टी में वही चार ऑप्शंस आए हैं जो यहाँ से सिलेक्शन टूल में मिलता है हमें, वही लासो टूल में मिला। लासो टूल का काम भी है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। जैसे मैं अगर इसका सेलेक्ट करना चाहूँ ऐसे करके, सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करूँगा ऐसे, तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन गया। तो ऐसे कोई भी किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आप लासो टूल का यूज़ करेंगे, ऐसे लासो टूल का आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर लासो टूल को कट करना है, माइनस करना है, ऐड करना है, तो आप प्रॉपर्टी में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ऐड टू सिलेक्शन पे जाएंगे और इसमें अगर ये एरिया मुझे ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे और इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर दिए, इसको भी करना है तो इसको भी माइनस कर दिए, इतना करना है इतना कर दीजिए। अगर आपको इंटरसेक्ट करना है तो ऐसे करके जितना सेलेक्ट करेंगे वो रह जाएगा, बाहर की चीज़ें हट जाएंगी। तो ये लासो टूल का काम है। अब यहाँ पर है फेदर। लास्ट टाइम जो हमने फेदर यूज़ किया था उसी तरीके से फेदर हम लोग इसमें भी यूज़ करेंगे। अगर आपने यहाँ पर फेदर में पहले से फिल कर दिया, सपोज़ हमने 10 पिक्सल फेदर यूज़ किया और लासो टूल से ये एक हमने ऐसे सिलेक्शन बनाया, अब जब हम लोग इसमें कलर फिल करेंगे तो ये देखिए स्मूथ एज बनेगा। ये जो एजेस बन रहे हैं ना, ये स्मूथ बन रहा है। लेकिन अगर फेदर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिर दिखाता हूँ। यहाँ से फेदर को हम लोग कर देते हैं 0 और उसके बाद मैं न्यू सिलेक्शन पर आता हूँ और एक इस तरह से हमने सिलेक्शन बनाया लासो टूल से और फिर से मैं इसमें कलर फिल करता हूँ। देखिए अब इस बार हमें एज जो मिल रहा है वो बिल्कुल ही शार्प मिल रहा है, इससे पहले क्या मिल रहा था, स्मूथ मिल रहा था। तो जब आप फेदर यूज़ करेंगे तो स्मूथ हो जाएगा और जब आप फेदर नहीं यूज़ करेंगे तो शार्प हो जाएगा। तो ये है फेदर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटी एलियास, ये अभी नहीं बताऊंगा, और एक रिफाइन एज है, ये अभी हाइड होकर के दिख रहा होगा आपको। लेकिन इन दोनों को जब बताऊंगा, जब किसी इमेज को सिलेक्शन करने के लिए बैकग्राउंड हटाते हैं तो उस टाइम इसको बताऊंगा। अभी मैं इसको डिलीट करता हूं। अभी हम लोग आते हैं 100% पर। अब लासो टूल के बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर पॉलीगोनल लासो टूल का, ये एक टूल है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। पॉलीगोनल लासो टूल क्या करता है, जब आप क्लिक करते जाते हैं तो आपका सिलेक्शन ऐसे करके बनाता जाता है। जब लास्ट पर आते हैं तो देखिए आप 0 यानी एक राउंडेड सर्कल देख रहे होंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे एक बार तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पॉलीगोनल लासो टूल है उसकी भी प्रॉपर्टी वैसे ही काम करती है जैसे आपने लासो टूल की प्रॉपर्टी देखी थी। यहाँ पर लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल में फ़र्क ये है कि जब आप पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ेंगे, तो ये पाथ रबर बैंड के तरह काम करेगा। जैसे पेन टूल में रबर बैंड हम लोग यूज़ करते हैं, वो बताऊंगा पेन टूल, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर जहाँ क्लिक करना है वहाँ आप क्लिक करते चले जाएंगे, ये आपको पाथ के साथ आगे बढ़ेगा ऐसे। तो ये सब सभी सिलेक्शन टूल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने में ये मदद करता है। अब मैं इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करता हूँ और देखिए कैसे मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से एक पॉलीगोनल टूल से इस तरह से हमने एक स्टार बनाया, ठीक है,
और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ इसका सिलेक्शन करना। तो यहाँ से हम लोग आएंगे पॉलीगोनल लासो टूल पर। अगर मैं इसका सिलेक्शन करना चाहूँगा तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। तो ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट का फोटो भी हो सकता है, उसका सिलेक्शन करने के लिए इस तरह के टूल की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, अब मैं इसको लाकर यहाँ मिला दूंगा। ये देखिए सिलेक्शन बन गया है, इसको हाइड करके देखिए सिलेक्शन बन गया है। अब अगर आपको न्यू कलर फिल करना है तो आप कलर फिल कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर लीजिए। तो ये है पॉलीगोनल लासो टूल का काम। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक लासो टूल के बारे में। ये मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है कि जिस तरफ आपको हार्ड एज मिलेगा, यानी जिस तरफ इसको कलर मिलेगा, उस तरफ ये टच होता चला जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर, जैसे हमारे पास ये वाइट कलर भी है, ये बैकग्राउंड हमारा वाइट है लेकिन ये पिंक कलर का बना हुआ है, ठीक है ना। अब अगर मैं पिंक कलर का सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद माउस से ड्रैग करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अब मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, देखिए ऑटोमेटिक पिंक कलर के एज पे टच होता जा रहा है, देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा वाइट पे भी जाऊंगा तो ये वहीं टच होगा, देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको जहाँ पर हार्ड एज मिलेगा वहीं पर ये टच हो जाएगा और लाकर आप छोड़ देंगे यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसे सिलेक्शन बन गया। तो कोई भी सिलेक्शन अगर किसी परफेक्ट कलर का करना है तो आप मैग्नेटिक लासो टूल का यूज करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को बस यही समझना है कि जब आप इन तीनों टूल का यूज करें तो ध्यान रखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने में मदद करेगा ये। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई चीज को लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिकल आप लोग जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।